दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे फ्री में ही आयोवी यानी कार लाइफ चेन का टोकन मिला हुआ है और ये आप भी ले सकते हो फ्री में। और इसकी आप प्राइस यहाँ पे अभी भी देख सकते हो कि इसकी प्राइस अभी कितनी है। और हाँ दोस्तों, इसकी जो प्राइस है ये हमेशा पंप और डंप होती रहती है। कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पे आके देखा था तो इसकी प्राइस जो थी वो लगभग 1,70,00,000 डॉलर के आसपास थी। और अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास अभी 8,51,32 डॉलर के करीब है। तो आप भी यहां पे फ्री में इस टोकन को ले सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपना चैनल ज्ञान साइडो में। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले पे क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों ये जो टोकन है इसे कैसे लेना है और हम इसे विड्रॉ कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में या नहीं, यही मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टोकन को कैसे हमें ट्रस्ट वॉलेट में लेना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालूंगा, आप उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लेना। उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम टोकन में ऐड करना है। वो कैसे करना है दोस्तों, आप यहाँ पे टोकन सर्च पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक करोगे। ऐड कस्टम टोकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बात आप याद रखना कि यहाँ पे जो नेटवर्क है ये इथेरियम ही सिलेक्ट करने देना। उसके बाद दोस्तों आपने जो एड्रेस कॉपी किया उसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कार लाइफ चेन का नेम और सिंबल शो होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप इसे ऐसे ही ऐड कर दोगे तो आपके वॉलेट में केवल 10 टोकन ही शो होगा। और अगर आप यहाँ पे 10 डेसिमल के जगह पे 0 करते हो तो आपको लगभग 1 अरब टोकन फ्री में मिल जाएगा। 8 के जगह पर 0 कर देना। उसके बाद दोस्तों आप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपका जो एक टोकन है ये ऐड हो जाएगा और आपके वॉलेट में लगभग 1 अरब टोकन शो होने लगेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 अरब टोकन की अभी प्राइस कितनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसे हम विड्रो ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या नहीं, क्या हम इसे स्वेप कर सकते हैं कोई भी एक्सचेंज से या नहीं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसे कोई भी एक्सचेंज पे स्वेप करते हो तो आप स्वेप नहीं कर पाओगे। वो कैसे, तो चलिए दोस्तों मैं ईथर के ऑफिशियल एक्सचेंज यूनिस्वेप पे चलता हूँ और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास अगर 1 अरब टोकन है तो आपको यूनिस्वेप में कितना टोकन शो होगा। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डीए ब्राउजर में ओपन कर लिया है यूनिस्वेप को। और यूनिस्वेप को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करके इंपोर्ट कर लूँगा टोकन को। और टोकन को इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों देखना यहाँ पे भी मुझे केवल 10 टोकन ही शो होगा। तो आप याद रखना दोस्तों कि अगर आपके पास वॉलेट में 1 अरब टोकन शो हो रहे हैं तो आपको यूनिस्वेप में केवल 10 टोकन ही शो होंगे। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो दोस्तों कि ये कितना बड़ा स्कैम है। तो इसी के बारे में दोस्तों मैं बात करूँगा, आप इस वीडियो में बने रहना। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट अभी लाइव है या नहीं, इनका जो एडमिन है वो एडमिन का अभी अकाउंट लाइव है या नहीं, सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट टोकन पे क्लिक कर लेता हूँ। सेलेक्ट टोकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने पहले से इम्पोर्ट कर रखा है उसी टोकन को। अगर आप लोगों ने इम्पोर्ट नहीं किया तो आप लोग उसी कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्ट का बटन आएगा तो आप इम्पोर्ट कर लोगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कार लाइफ चेन का जो टोकन है वो सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो 10 IOV शो हो रहा है। और वहाँ पे दोस्तों वॉलेट में मुझे 1 अरब टोकन शो हो रहा था लेकिन यहाँ पे केवल 10 टोकन ही शो हो रहा है। और इसकी अभी प्राइस दोस्तों आप 0 यहाँ पे देख सकते हो, आपको दोस्तों वहाँ पे प्राइस शो हो रही होगी। और क्वाइन मार्केट कैप पे भी ये लिस्टेड है तो वहाँ पे भी आप इसकी प्राइस जाके देख सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी इसकी प्राइस 0 से हो रही है। चलो दोस्तों मैं चलता हूँ इनके क्वाइन मार्केट के ऑफिशियल पेज पे। देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ क्वाइन मार्केट के ऑफिशियल पेज पे और यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी है। चलो दोस्तों मैं इसके वेबसाइट एक्सप्लोरर और सोशल अकाउंट के बारे में जान लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट से हो रहा है blockchain.iovscan.com। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इसके ब्लॉकचेन वेबसाइट पे। यह दोस्तों इसके ब्लॉकचेन का वेबसाइट, लेकिन इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों अगर उसे ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है, यानी यहाँ पे केवल HTTP ही डाला गया है जिससे हमको बहुत नुकसान हो सकता है, कोई भी इस साइट को हैक कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जब तक HTTPS नहीं रहेगा तब तक ये वेबसाइट सेफ नहीं है। पहले दोस्तों इसके चलते ऑफिशियल ट्विटर पेज पे, वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों हम जानेंगे इसके मीडियम पेज, इसके टेलीग्राम ग्रुप, सबके बारे में जानने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा क्या ये स्कैम है या रियल। तो चले दोस्तों ये है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑफिशियल ट्विटर पेज और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों iovscan.com ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये सिंगापुर की है।
तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या शो होने वाला है आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। चलिए चलते हैं इसके मीडियम पेज पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ इसके मीडियम पेज पे। मीडियम पेज पे दोस्तों इन्होंने पोस्ट किया था 15 अप्रैल को, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अपना आईओबी वॉलेट भी निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो इनके आईओबी वॉलेट है। तो चलिए मैं इनके आईओबी वॉलेट डाउनलोड करके देखता हूँ कि डाउनलोड होता है या नहीं। देखिए जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा है इंटरनल सर्वर एरर। देखिए दोस्तों वे वॉलेट का जो भी लिंक है उसको भी ओपन करने पे इंटरनल सर्वर एरर लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं इनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि इन लोगों ने क्या किया है। तो चलिए मैं चलता हूँ इनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल है, वो सब यहाँ पे पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दे रहे हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों मैं इनके टेलीग्राम चैट को एनालाइज करता हूँ कि ये लोग अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये लोग जो एडमिन है इनके ये यहाँ पे इनको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कोई भी रिप्लाई यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है, कोई भी यहाँ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं इनके मेंबर में आके इन्हें एक्सप्लोर करता हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ उनके मेंबर में, और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक ऐसी चीज़ जिसे आप देख कर कहोगे कि ये तो पूरा स्कैम है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके ऑनर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक अभी ऑनर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया है उन्होंने अपना अकाउंट को डिलीट कर दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक भी ऑनर नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि एक भी ऑनर नहीं है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिसने इस ग्रुप को बनाया है उसने अपना खुद का अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ऑनर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसी ने इस ग्रुप को बनाया है और इन्होंने खुद ही अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो एकदम स्कैम है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने उस टोकन को अपने वॉलेट में ऐड कर लिया है तो कोई बात नहीं, ऐड करके आप लोगों को दिखा सकते हो कि मेरे पास इतना डॉलर अवेलेबल है, लेकिन आप उस डॉलर का यूज नहीं कर सकते हो। बस क्वाइन मार्केट कैप ये रैंक कर रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो इनके ऑनर है उन्होंने खुद अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है और जो इनके एडमिन में थे वो भी अपना अकाउंट डिलीट कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो टोकन है ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो आप लोग केवल इस टोकन को ऐड करके अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि मेरे पास इतना डॉलर है, मैं मिलियनेयर बन चुका हूँ। और रही बात दोस्तों कि इसे हम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं या नहीं, आप लोग इतना देखने के बाद खुद डिसाइड करो कि आप इसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो या नहीं। मेरे हिसाब से तो आप इसे अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। और हाँ दोस्तों एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बीटेक्स एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन उसने ये भी बोला कि मैंने वहाँ पे ट्राई किया तो वहाँ पे लगभग $52 का ईथर मांग रहा है फी के तौर पे। अगर आप लोग फी पे किए और आपका जो टोकन है वो स्वेप नहीं हुआ तो आप सबका बेड़ा गर्क हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब इस टोकन को बस शो के लिए रखे रहो, अपने वॉलेट में बस इस टोकन को रखो और अपने दोस्तों और फैमिली को या अपने जितने भी रिलेशन वाले लोग हैं उनको दिखा दिखा कर जलाओ। बस आप लोगों को जलाने का काम कर सकते हो इस टोकन से, बस जलाने के अलावा आप इस टोकन को किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मेरा दोस्तों यही ओपिनियन है कि आप लोगों को अगर ये टोकन मिला है तब तो अच्छा है, अगर नहीं मिला है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो ये तो मैंने पहले ही बताया है, और आप ऐड करके लोगों को जलाना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपकी वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।